सारे जिस तरीके से पॉइंट्स रिकैप्चुलेट किए वन बाय वन, मैं शुक्रिया अदा करूँगी मिस्टर साहब का, सलीम साहब का, आप तमाम साहिबान का। मैं सिर्फ थोड़ा सा टच करूँगी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, जो आप लोगों ने रूट और लाइट के मुताबिक बात की, जब हम आए थे तो हमने मॉलिक की जरूरत भी फौरी तौर पर 40 में हम लोगों ने ये इंश्योर करने की कोशिश की थी कि अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे। ये होना भी चाहिए, ये उमन होता भी है कि जब कोई इस किस्म का इवेंट होता है तो वहाँ पर एक कैंप ऑफिस बनाया जाता है, उस पर तमाम कंसर्न बैंकों के आपको फोकल पर्सनस दिए जाते हैं या मिनिमम उनके फ़ोन नंबर्स दिए जाते हैं जो कि पैकेट पे मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये भी वहाँ पर मौजूद हो। फिर रूट की क्लिनलीनेस, जहाँ की कैचुअल की ज़रूरत है, हम सबका फ़र्ज़ है। ये सिर्फ हम लोग एक ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो काड़ा की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे तमाम सिर्फ और सिर्फ सेक्ट्स नहीं बल्कि डिफरेंट मज़ाहिब से लोग इकट्ठे बैठ के इस दिन के मुतालिक बात कर रहे हैं और आपस में आमदनी से जो असल लफ्ज़ है पीस, जिसका हम लोग अपने पीस के मानी अगर चाहें, अमन के मानी देखना चाहें, तो ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन। उसके अलावा आप लोगों ने हमें दो अपने साथियों का नाम लिया, रफ़ी रज़ा साहब, दाफ़ते इस्लामी वाले, हमने यकीनन इन्हें इनवाइट किया था, किसी वजह से अगर वो नहीं आ सके तो दोबारा रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको भी हम इन टच लेंगे। इसके अलावा कोई अगर किसी किस्म की भी कोई आपके जहन में इसके बाद भी कोई चीज़ आए, आपको कंसर्न हो, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौके पर मौजूद हैं, हमारे पुलिस के हमारे साथी भी मौके पर मौजूद हैं, वो आपसे टाइम टू टाइम मीटिंग भी करेंगे,